से हम मिल रहे हैं और आज हम कुछ खास ऐसा बनाने जा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान आपको बाहर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप झटपट से इसको अपनी रसोई में बनाना चाह रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज बटर मसाला और इसी रेसिपी को आप पनीर बटर मसाला में भी यूज कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल है, चुटकियों में बनने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जल्दी से बिना लेट किए हम शुरुआत। पहले हम एक कढ़ाई रख लेंगे, कढ़ाई को हम क्या लेते हैं गैस ऑन। हम डालते हैं इसमें लगभग एक बड़ा चम्मच तेल और इसमें हम डाल देंगे हमारा ऑनियन। तो इस सब्जी का प्रोपोर्शन कुछ इस तरह है, एक बड़ा ऑनियन हम इसमें ले रहे हैं। उसके साथ ही हम लेते हैं दो बड़े टमाटर या फिर तीन से चार छोटे टमाटर आप ले सकते हैं। ये एक बड़ा प्याज है और ये आपकी जो क्वांटिटी है, जो बाहर आपको वन फुल प्लेट सब्जी मिलता है उसका क्वांटिटी बनेगा। और इसी के प्रपोर्शन में हमको लेने हैं या तो दो बड़े टमाटर या फिर हम लेंगे तीन से चार छोटे टमाटर। इसको हम इसमें नहीं डालेंगे अभी, इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक मिक्स कर। हमारा ऑनियन सॉटे हो रहा है, हम यहाँ पर दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने एक मुट्ठी काजू लिए हैं, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 6 से 7 लहसुन की क्लोव्स और इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूंगी। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसके अंदर हम अपने दूसरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये बहुत खास है, आप इन्हें ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब्जी झटपट बन रही है। इसके अंदर हम मसाले इधर ही डाल रहे हैं। हम डालते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के बाद हम इसके अंदर अपने सूखे मसाले डालेंगे। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला जो है उसका टेस्ट पर बहुत ही मैटर करता है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पतंजलि का गरम मसाला और हम डाल देंगे इसके अंदर लाल मिर्ची। लाल मिर्ची जो है मेरी एवरेस्ट की कश्मीरी लाल है, तो जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो मेरे सूखे मसाले इसके अंदर डाल चुके हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। और साथ ही हमारा जो टमाटर है वो रॉ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी। का मेन पार्ट रेडी हो चुका है। हमारा ऑनियन को आप देख लेते हैं, ऑनियन हमारा कुछ ब्राउन हो रहा है। हमको अपने सारे ऑनियन को अच्छी तरह से ब्राउन करना है, इससे सब्जी का टेस्ट और कलर दोनों ही मैटर करते हैं। ऑनियन हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसका एक बार क्लोजअप देके कलर देख लेंगे। तो कुछ इस तरह का इसको हमको कलर लेना है। अब इसको हम हमारे उसी मिक्सी के जार में डालेंगे जिसमें हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। तो हम धीरे धीरे इसको इसमें डाल देंगे ऑयल निकालते हुए। अब ये टल चुका है, हम इसको पीस लेंगे। हमारा मसाला पीस चुका है और इसका कलर देखिए कितना ही वाइन, कितना ही ब्यूटीफुल है। इसमें दो इंग्रेडिएंट्स अभी भी रॉ हैं, वो है हमारा टमाटो एंड गार्लिक, तो उसको हमको अच्छे से सॉफ्ट करना है। इसमें हमारा ऑनियन का थोड़ा सा ऑयल है, इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। आप ऑयल कम ज्यादा अपने हेल्थ के हिसाब से कर सकते हैं। और इस ग्रेवी को इसमें डाल के अच्छे से भूनेंगे। आप काजू के अभाव में बादाम भी ले सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से इसमें सॉटे करेंगे। और जैसे जैसे हम इसको इसमें सॉटे करते हैं, आप देखिए कितना फाइन कलर इसमें लग रहा है। इसमें हमने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है, तो हमें अपना सॉल्ट भी इसमें डालना है। आप इसको या तो धनिया से या तो कस्तूरी मेथी से भी गार्निश कर सकते हैं। और दोनों से आप जब गार्निश करते हैं तो इसका टेस्ट वेरी होता है, तो आप दोनों ट्राई कीजिएगा और फिर आपकी पसंद के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर एंड 50 ग्राम चीज लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको भी मैं इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से भूनूंगी। इसको मसाले को थोड़ी देर और भूनने के बाद हम चीज और पनीर इसमें डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं
इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है। इस टाइम पर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे जो हमने हमारा मिक्सी में डाल के रखा है, जैसे हमारा ग्रेवी वेस्ट ना हो, और इसको सेमी लिक्विड फॉर्म देंगे। जिससे हमारा ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ठीक रहे, बहुत ज़्यादा थिक ना रहे, और ये थोड़ा सा लाइट होगा कलर, पर ज़्यादा नहीं रहेगा। इस टाइम पे हम इसमें हमारा पनीर और चीज दोनों डाल देंगे। और इसको सिम पर 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे, जिससे ये जो ग्रेवी है सारा पनीर में टेस्ट अपना छोड़ दे। और इसको अगर आप कुछ घंटे पहले बनाते हैं, जैसे सुबह दिन में खाना है सुबह बना लेते हैं, तो भी पनीर इसका टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम कुछ देर रखेंगे सिम पर, इसको हम कवर कर लेंगे। आज के 7 मिनट हो चुके हैं, सब्जी बनके तैयार है। तो आप इसको देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल की मस्त चीज पनीर बटर मसाला रेडी है। अब इसको हमको गार्निश करने की भी जरूरत नहीं है, बट हम इसको सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे और गरम गरम रोटियों के साथ परोसेंगे। एक बड़ा टेबल स्पून बटर मैंने लिया है और इसको मैं मेल्ट करके सब्जी के ऊपर डाल दूंगी। आप अपना ऑयल कम ज्यादा करके बटर डाल सकते हैं। तो गैस मेरी हो गई है ऑन, जैसे ही मेल्ट होता है हम इसके ऊपर इसको डाल देंगे। ये मेल्ट हो चुका है, हम इसको इसमें पोर कर रहे हैं और लजीज हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं, हम इसको सर्व करते हैं।